जय भारत दोस्तों, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस करेंट अफेयर्स ऑफ 26 मार्च 2021। सो आई कैम विद दिस कोटेशन, ड्रीम बिग एंड नेवर लेट स्मॉल माइंड्स कन्विंस यू डैट योर ड्रीम इज आउट ऑफ रीच। इट माइट बी आउट ऑफ रीच फॉर देम, बट यू नो बेटर। ठीक है, तो आप जो सोचते हैं, जो आप मतलब आपका जो सपना है उसको बड़ा करिए और आप मेहनत करिए, आप उसको अचीव कर सकते हैं। उन लोगों की बात मत सोचिए जो कहेंगे आप नहीं कर सकते। सपना आपका है, जब आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। और वो लोगों को ज़रूर लगता है कि वो नहीं कर सकते, तो उनको लगता है आप भी नहीं कर सकते। ओके, तो स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट। सो फर्स्ट टॉपिक इज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। What is BPKP? तो in India, नेशनल फार्मिंग is promoted, नेशनल फार्मिंग प्रमोट की जा रही है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम। इसके बारे में जानना होगा। इस सब स्कीम में परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत इट्स इंट्रोड्यूस इन 2020-21 में इंट्रोड्यूस हुई है। प्रमोशन किसने, ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिस इंक्लूडिंग, जिसमें नेचुरल फार्मिंग है। द स्कीम मेनली एम्फेसिस द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स एंड प्रमोट ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग विथ मेजर स्ट्रेस ऑन बायोमास मल्चिंग। इस स्कीम का मेन एम ये है कि जो सिंथेटिक केमिकल इनपुट्स हैं उसको एक्सक्लूड किया जाए और ऑन फार्म बायोमास इसको रिसाइकिल किया जाए। और बायोमास मल्चिंग मीन्स यूज़ ऑफ काउडंग यूरिन इनको यूज़ किया जाए, प्लांट बेस्ड प्रिपरेशन की जाए, टाइम टू टाइम वर्किंग ऑफ सॉइल फॉर एरेशन। अब इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस 12,200 पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर्स, 12,200 दिए जाएंगे 3 साल के लिए। इस प्रोवाइड फॉर क्लस्टर इन्फॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग बाई ट्रेन पर्सनल, सर्टिफिकेशन रेसिड्यू एनालिसिस। BPKP इज एम प्रमोटिंग ट्रेडिशन, प्रमोट करना ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस विच रिड्यूस करेगा एक्सटर्नली परचेज इनपुट को। बेनिफिट ऑफ द स्कीम, स्कीम का बेनिफिट क्या है, नेचुरल फार्मिंग विल रिड्यूस डिपेंडेंसी, जो डिपेंड हो रहा है ना वो रिड्यूस कम हो जाएगा, डिपेंडेंसी जो मेटीरियल डिपेंडेंट परचेज इनपुट एंड विल हेल्प टू ईज स्मॉल होल्डर फार्मर्स को हेल्प करेंगे क्रेडिट बर्डन से। नेक्स्ट इज सुंदरबन लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मिसलेनियस टॉपिक को यहाँ पुट किया गया है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट वर्ल्ड का कवर, जो इंडिया और बांग्लादेश को कवर करता है, लार्जर पार्ट इन बांग्लादेश। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है ये रामसर कन्वेंशन के अंदर। नेक्स्ट इज रिमेंबरिंग भगत सिंह ऑन इज डेथ एनिवर्सरी। भगत सिंह के बारे में हम सब जानते हैं, वो बहुत ही ब्रेव है। तो मार्च 23 को उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो ये टॉपिक इसलिए यहाँ पे रखा गया, सेलिब्रेटेड द शहीद दिवस। द डे कॉमेमोरेट्स द हैंगिंग ऑफ इंडियाज 3 फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु। इस दिन हमें याद, ये दिन हमें याद दिलाता है कि जो इन तीनों को, फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी गई थी, भगत सिंह को, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु, दे वर हैंग्ड ऑन 23 मार्च। 23 मार्च को इनको हैंग किया गया था 1931 में लाहौर जेल। दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो ब्रिटिश राजसत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे भारत में। भगत सिंह वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर 1907 लियालपुर वेस्टर्न पंजाब में उनका जन्म हुआ, अब जो कि पाकिस्तान में है। अ रिवॉल्यूशनरी हीरो ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, क्रांतिकारी हीरो थे। ही स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया सिंस हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से ही ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ही आल्सो वर्कड एज राइटर एंड एडिटर की तरह भी उनने काम किया इन अमृतसर, पंजाबी एंड उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, एक्सपोजिंग मार्क्सिस्ट टेररिस्ट। 1913 व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड, 1919 में 12 साल के थे जब भगत सिंह विजिटेड द साइट ऑफ वो जलियांवाला बाग मसैकरे साइट विजिट किया। जस्ट अ फ्यू आवर्स आफ्टर, जब ये थाउजेंड्स ऑफ अनआर्म पीपल गैदर्ड हुए थे पब्लिक मीटिंग और वहाँ मारे गए, उसके थोड़े घंटों बाद वो वहाँ गए थे। ही बिकेम डिसइल्यूशन्ड विद महात्मा गांधी फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस आफ्टर ही कॉल्ड ऑफ एज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
वो महात्मा गांधी की जो नॉन वायलेंस फिलोसफी से डिसइल्यूशन थे, गांधी जी डिसीजन फॉलोड द वायलेंट मर्डर्स ऑफ पुलिसमैन। गांधी जी के डिसीजन क्या बात क्या हुआ, वायलेंट मर्डर्स पुलिसमैन बाय विलेजर्स हु वर रिएक्टिंग, जो पुलिस किलिंग में रिएक्ट करते तीन विलेजर्स, 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट आपको पता होगा। भगत सिंह ज्वाइन द यंग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, भगत सिंह ने यंग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ज्वाइन किया एंड बिगेन टू एडवोकेट, उन्होंने एडवोकेट करना चालू किया वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। इन 1929 ही एंड एसोसिएट थ्री ऑफ बॉम्ब, 1929 में उन्हें बॉम्ब फेंका इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली, क्या प्रोटेस्ट करने के लिए, जो इम्प्लीमेंटेशन एंड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बाय चेयरिंग द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद लॉन्ग लाइफ द रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट इज कुंभ मेला। कुंभ मेला इज लार्जेस्ट पीसफुल कॉन्ग्रेगेशन ऑफ पिलग्रिम्स ऑन अर्थ ड्यूरिंग विच पार्टिसिपेट्स बाथ और टेक अ डिप इन सैक्रेड रिवर। कुंभ मेला एक बहुत बड़ा पीसफुल कॉन्ग्रेगेशन है जहाँ पे तीर्थयात्री धरती पे पीसफुल तरीके से इकट्ठे होते हैं। विच पार्टिसिपेट बाथ और टेक, वो पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, तो वहाँ नहाते या फिर डुबकी लगाते सैक्रेड रिवर में। कुंभ मेला कम्स अंडर यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में आता है। द फेस्टिवल इज हेल्ड एट प्रयागराज में हेल्ड होता है जहाँ पे गंगा यमुना एंड मिथिकल सरस्वती रिवर मिलती है। हरिद्वार में वहाँ पे गंगा, उज्जैन में शिप्रा रिवर, नासिक में गोदावरी रिवर। एवरी फोर ईयर्स बाय द रोटेशन, ठीक है, एवरी फोर ईयर्स बाय रोटेशन अटेंड टू मिलियंस ऑफ पीपल अटेंड करते इन रिस्पेक्टिव कोई भी कास्ट क्रीड और जेंडर के। द इवेंट एस्केप्लेट द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन सोशल एंड कल्चरल कस्टम प्रैक्टिस मेकिंग इट एक्सट्रीमली रिच, इसको और रिच बनाता है नॉलेज में। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो साधुस इन द आश्रम में सिखाते अखाराज रिमेन इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर है। इम्पार्टिंग सेफ गार्ड्स को नॉलेज, नॉलेज को सेफ गार्ड करना है स्किल्स रिलेटिंग टू, जो भी स्किल्स है कुंभ मेला से रिलेटेड। सुंडर स्ट्रेट के बारे में, इट लिंक जावा, जावा सी मीन पैसिफिक ओशन विथ इंडियन ओशन साउथ को कनेक्ट करता है। इंडोनेशियन से ले सुंदर चैनल 16 to 70 miles 26 to 110 kilometers कहाँ कहाँ के बीच में, बिटवीन आइलैंड्स ऑफ जावा ईस्ट एंड सुमात्रा। सुंदर स्ट्रेट इज एन इम्पॉर्टेंट पैसेज कनेक्टिंग, इंपॉर्टेंट पैसेज है ये इंडियन ओशन और ईस्टर्न एशिया को कनेक्ट करने के लिए। द स्ट्रेट स्ट्रेचेज रफली नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन विथ मिनिमम विथ, कम से कम इसके विथ कितनी है 24 kilometers एट इट नॉर्थ ईस्ट एंड बिटवीन केप टुआन सुमात्रा एंड केप पुजट ऑन जावा। इट इज़ वेरी डीप एज इज वेस्टर्न, डीप एज वेस्टर्न एंड बट एज इज नैरो टू द ईस्ट, नैरो ईस्ट ऑफ इट बिकम मस्ट शालोवर, शालोअर डेप्थ ऑफ ओनली 20 meters एंड पार्ट ऑफ ईस्टर्न एंड। द स्ट्रेट नैरोनेस शालोनेस है, लैक ऑफ एक्यूरेट चार्टिंग मेक इट अनसुटेबल फॉर मैनी मॉडर्न लार्ज शिप्स, मोस्ट ऑफ अनसुटेबल कर देता है शिप्स के लिए विच यूज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो मलक्का यूज़ करते हैं स्ट्रेट। ये सुमात्रा जावा इनके बीच में सुंदा स्ट्रेट है। सो ICGS वज्र, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र कमीशन टू एनहांस कोस्टल सिक्योरिटी, इंडियन कोस्ट गार्ड जो शिप है वज्र कमीशन की गई है एनहांस करने के लिए कोस्टल सिक्योरिटी। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वेसल वज्र इज इंडिजीनियसली डिज़ाइन, सो इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया गया एंड बिल्ट बाय लार्सन एंड टोब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड। सिक्स्थ सीरीज है 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की OPV। इट इज़ 98 meters शिप इक्विप, 98 meters शिप इक्विप है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी। डिज़ाइन किया गया 1 twin engine है हेलीकॉप्टर एंड 4 हाई स्पीड बोट्स। द वेसल कैन ऑल्सो यूज सर्च रेस्क्यू लॉ एनफोर्समेंट मैरीटाइम पेट्रोल, इसमें यूज़ होता है। वेसल इज ऑल्सो कैपेबल, कैपेबल किस लिए, कैरिंग जो पॉल्यूशन रिस्पॉन्स है इक्विपमेंट, ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स एट सी। विक्रम क्लास ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, ये जो OPV है ऑफ शोर पेट्रोल वेसल इन सीरीज ऑफ जो 7 ऑफ शोर वेसल है। LNT जिसका नाम अभी बताया था एंड टर्बो शिप बिल्डिंग इंडियन कोस्ट गार्ड बिल्डिंग ने भी बिल्ड कर रहे हैं 7 OPV, ICG विक्रम, ICGS विजया, ICGS वीरा, ICGS वराहा, ICGS वरद, ICGS वज्र एंड ICGS विग्रह। ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल है तो दे आर कैपेबल ऑफ ऑपरेशन मैरीटाइम जोन्स जो इंडिया में इंक्लूड होते हैं जैसे आइसलैंड टेरिटरीज, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कैपेबिलिटी। रोल क्या है, कोस्टल ऑफशोर पेट्रोलिंग है, पुलिसिंग मैरीटाइम जोन्स इंडिया, कंट्रोल सर्विलेंस, एंटी स्मगलिंग, एंटी पायरेसी ऑपरेशन विथ लिमिटेड वार टाइम रोल्स।
Next is Oxfam Inequality Index. Recently, Ministry of Labour and Employment has given a written reply to a question on India's performance in the Oxfam Inequality Index. जो Minister of Labour and Employment ने written reply दिया है जो question इंडिया की performance Oxfam Inequality Index पे रिलीज बाय ऑक्सफर्म इंटरनेशनल रिलीज करता है पैरामीटर एंड इंडेक्स में रैंक 158 कंट्रीज को दिया गया है. इंडेक्स मेजर्स द पॉलिसीज एक्शंस को ये मेजर करता है. थ्री एरिया डायरेक्टली जहाँ से रिड्यूस की जा सके इनइक्वालिटी. पहला पब्लिक सर्विसेज में हेल्थ एजुकेशन सोशल प्रोटेक्शन. नेक्स्ट इज टैक्सेशन एंड थर्ड इज वर्कर्स राइट. द इंडेक्स हैज़ बीन टॉप किया गया है नॉर्वे ने उसके बाद डेनमार्क एंड देन जर्मनी. इंडिया का रैंक तो 129 है ओवरऑल एंड इंडेक्स अपवर्ड ऑफ 158 कंट्रीज. ट्यूलिप गार्डन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आस्क्ड एवरीवन टू विजिट ट्यूलिप. हमारे प्रधानमंत्री ने सबको ये बोला है कि आप विजिट करिए ट्यूलिप गार्डन. कहाँ पे है? फूट इज ऑफ जबारवान रेंज. वे कहाँ पे? बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर में. ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड फूट हिल्स पे जवार वान रेंज पे. एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है. ये तो हमारे लिए फख्र की बात है. एंड इज अबाउट 30 एक्टर्स. दिस गार्डन इज होम टू मोर देन 64 वेराइटीज़ के लिए ट्यूलिप वहाँ पे ब्लूम करते हैं. इट वॉज स्टार्टेड 2007 में स्टार्ट हुआ था ये कि फ्लोरिकल्चर एंड टूरिज्म इन कश्मीर वैली. जबारवान रेंज इट इज़ शॉर्ट सब माउंटेन रेंज है. ये शॉर्ट छोटी सी सब माउंटेन रेंज है पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में. इट लोकेटेड सेंट्रल पार्ट ऑफ कश्मीर वैली में लोकेटेड है. एंड हाईएस्ट पीक जो हाईएस्ट पीक है इसकी महादेव पीक है 1313 feet. टेम्पल शंकराचार्य टेम्पल है ऑन द एज ऑफ सेंट्रल पार्ट जबारवान रेंज. ये दिया है लोकेशन पीर पंजाल. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बॉबडे हैज़ रिकमेंडेड. उन्हें रिकमेंड किया जस्टिन एन वी रमन्ना सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ नेक्स्ट टॉप जज की वो नेक्स्ट टॉप जज होंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज है. ही शी इज आल्सो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इंडियन जुडिशरी के. जस्टिस रमन्ना इज नाउ सेट टू टेक ओवर एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम अप्रैल 24. अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 में बोला गया है. भारतीय संविधान में प्रोवाइड किया है द मैनर ऑफ अपॉइंटिंग जजेस को अपॉइंट करने के लिए. बट देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड बी सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का. प्रोसीजर क्या है? लॉ मिनिस्टर हैज़ टू सीक रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग. रिकमेंड लेना चाहिए जो भी चीफ जस्टिस जा रहे हैं उनसे रिकमेंड अपॉइंटमेंट न्यू चीफ जस्टिस के बारे में. इन केस ऑफ डाउट अगर डाउट ऑफ फिटनेस के हम सीनियर मोस्ट जज टू सीजीआई कंसल्ट करें जजेस अंडर आर्टिकल 124 सेक्शन 2 भी मेड. लॉ मिनिस्टर पुट अप रिकमेंडेशन रखते हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट. सीनियरिटी एट द अपेक्स कोर्ट इज डिटरमाइंड. सीनियरिटी एज से नहीं डिटरमाइंड बट बाय द डेट अ जज वॉज अपॉइंटेड जिस दिन से जज अपॉइंट हुआ हो. इफ़ टू जजेज आर एलिवेटेड अगर दो जज बर ऑन द सेम डे द वन हु वाज स्वान इन फर्स्ट जिसको फर्स्ट जज बोला गया वो ट्रम्प अनदर. इफ़ बोथ वर स्वान अगर दोनों को बोला गया है दोनों ने अगर शपथ ली फर्स्ट एज जज वुड. If both are sworn as judges same day, one with the years of High Court could win the seniority index. Seniority देखा जाएगा. An appointment from bench would trumpet seniority appointed bar जो रहेंगे. Exceptions to above mentioned procedure. This convention क्या 1973 में जस्टिस ए एन रे वॉज अपॉइंटिंग superseding थ्री सीनियर जजेस. 1975 में क्या जस्टिस मिर्जा अमीदउल्ला बेग वॉज अपॉइंट वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुई थी सुपर सीट. किसको सुपर सीट किया था? जस्टिस हंसराज खन्ना को. टेन्योर वंस अपॉइंटेड एक बार अगर अपॉइंट हो गए तो चीफ जस्टिस ऑफिस में रहेंगे 65 केस तक. आर्टिकल 124(4) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड ओनली थ्रू द प्रोसेस. सिर्फ इम्पीचमेंट होगा जब पार्लियामेंट से तभी अलग कर सकते हैं. सिक्स शेड्यूल एरियाज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA इन्फॉर्म किया लोकसभा को प्रेजेंटली देयर इज नो प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट. कोई प्रपोजल इम्प्लीमेंट करने के लिए पंचायत सिस्टम इन सिक्स शेड्यूल एरियाज ऑफ आसाम.
इट प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल पॉपुलेशन को, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है कम्युनिटीज टू क्रिएशन ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल, जैसे लॉज बनाए लैंड पब्लिक हेल्थ एग्रीकल्चर पे। 10 ऑटोनॉमस काउंसिल एग्जिस्ट है, आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। द स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 244(2) एंड आर्टिकल 275(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6 शेड्यूल ये दिया हुआ है। प्रोविजन, गवर्नर इज एम्पावर्ड टू, अगर गवर्नर को ये पावर है कि वो ऑर्गेनाइज कर सके, रीऑर्गेनाइज करे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। इफ देयर आर डिफरेंट, अगर डिफरेंट ट्राइब्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, गवर्नर कैन डिवाइड, गवर्नर डिवाइड कर पाएगा डिस्ट्रिक्ट इनटू सेवरल ऑटोनॉमस रीजन। कंपोजिशन क्या है, ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसमें 30 मेंबर्स होंगे, 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, रिमेनिंग 26 इलेक्ट होंगे एडल्ट फ्रेंचाइजी, वही 18 ईयर्स के। टर्म क्या है इसमें, इलेक्टेड मेंबर्स होल्ड ऑफिस टर्म ऑफ 5 ईयर्स एंड नॉमिनेट किया गया है होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर। ईच ऑटोनॉमस रीजन आल्सो सेपरेट रीजनल काउंसिल। पावर ऑफ काउंसिल क्या है, डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर एरियाज अंडर देयर जुरिसडिक्शन। दे कैन मेक वो लॉ बना सकते हैं सर्टेन मैटर लाइक लैंड फॉरेस्ट कैनाल वाटर शिफ्टिंग कल्टिवेशन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मैरिज डिवोर्स सोशल कस्टम एंड सो ऑन। ऑल सच रूल्स में एसेंट होती है, मतलब चाहिए मैं हाई किसकी, गवर्नर की। विलेज काउंसिल डज डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल टाइटल के अंदर जुरिसडिक्शन रहता है, जो विलेज काउंसिल या कोर्ट फॉर ट्रायल होते हैं केसेस बिटवीन ट्राइब्स, दे हियर अपील फ्रॉम देम, वो सुनते हैं जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ये सोर्स के ऊपर केसेस स्पेसिफाई कौन करता है, गवर्नर। UN इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च यूनिटेयर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू UN इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च एज रिकमेंडेड। इंडिया का रिमार्केबल प्रोग्रेस रिड्यूसिंग जो प्री मैच्योर मोर्टैलिटी फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये क्या है, इस डेडिकेटेड ट्रेनिंग आर्म है यूनाइटेड नेशन सिस्टम का, ये फाउंड हुआ 1963 एंड रिकमेंड ऑफ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टू द जनरल असेंबली। मैंडेट, ये जो प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट टू एसेस मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज है, स्पेशल अटेंशन लीज डेवलप कंट्री एंड स्मॉल इजलैंड डेवलपिंग स्टेट्स अदर ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज हुआ वनरेबल। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। गवर्नेंस क्या है, ऑपरेटेड एज ऑटोनॉमस बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर है। हेड कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निकल सेट है हु वॉज अपॉइंटेड 2015। इंटर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, डज नॉट रिसीव एनी फंड, रिसीव नहीं कर रहा है कोई रेगुलर यूनाइटेड नेशन बजट से। इंस्टीट्यूट फाइनेंस एंटायरली वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से। ओके, ऑल द बेस्ट।